गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ ऑब्वियसली स्विच ऑन द लाइट। आप सभी भी यही करते होंगे। एंड देन आई प्रे टू गॉड, प्रे टू द ऑलमाइटी फॉर लेटिंग मी सी दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वर्ल्ड वंस अगेन, फॉर लेटिंग मी वेक अप इन द मॉर्निंग। तो चलिए थोड़ा प्रे कर लेते हैं भगवान को। एंड देन द थिंग दैट आई डू इज़ ड्रिंक वाटर, ड्रिंक सम लूक वॉर्म वाटर। इसके लिए मैं हमेशा अपने बेड के पास एक गर्म पानी का बोतल रखती हूँ, सो दैट द मिनट आई वेक अप आई गेट टू ड्रिंक वाटर, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ हाइड्रेट माई बॉडी वंस आई गेट अप। तो पानी पीते हुए मैं सीलिंग की तरफ देख रही हूँ, पता नहीं सीलिंग में क्या है पर कोई नहीं, चलिए अभी वॉशरूम जाने का टाइम है, अदरवाइज माय गॉल ब्लैडर विल ब्लास्ट, ब्लैडर्स विल ब्लास्ट, सॉरी। तो वॉशरूम से आने के बाद चलिए बैल्कनी में चलते हैं, थोड़ी टाइम स्पेंड कर लेते हैं बैल्कनी में। तो यहाँ पे बैल्कनी में मैं आके बैठ गई हूँ, और अदर डेज़ में मुझे टाइम नहीं मिलता है बैल्कनी में आके बैठने का, थोड़ा नेचर को ऑब्ज़र्व करने का, बिकॉज़ मैं इतना बिजी रहती हूँ अदर डेज में, ऑफिस जाना होता है ऑब्वियसली, पता ही है आप लोगों को कितना कष्ट होता है सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाने में। और यहाँ पे फाइनली ब्रश हो चुका है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, रेडी होके योगा मैट निकाल रही हूँ, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं शुभांकर सोया हुआ है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वर्कआउट का। अगर मैं उसको जिम ना लेके जाऊँ ना, तो उसको जिम जाना ही नहीं है, उसको वर्कआउट भी नहीं करना है, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसको हर चीज़ के लिए पुश करती हूँ, स्पेशली वर्कआउट्स के लिए। और मैं, मेरे लिए वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर वॉट एवर आई डू, जिम में करूँ घर में करूँ। आज सिंस मैं जिम गई नहीं हूँ तो मैं घर में कर रही हूँ, एंड आई हैव स्टार्टेड माई वार्म अप्स हेयर। तो आप जो भी वर्कआउट करें, वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन अप द बॉडी, टू ओपन अप द जॉइंट्स। फुल नाइट हम लोग सोते हैं तो सुबह उठने के बाद हमारे बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो उसको ओपन अप करने के लिए यू शुड ऑलवेज वार्म अप द बॉडी बिफोर वर्किंग आउट। तो या मैं यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्म अप्स कर रही हूँ बिकॉज सारे जॉइंट्स को खोलना है मुझे। ओह माय गॉड, लुक एट माय मूव्स गाइस, योर गर्ल गॉट द मूव्स। तो यहाँ पे मैं हिप रोटेशन कर रही हूँ, एंड देन दीज आर बट किक्स, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओपनिंग अप द बॉडी। तो बट किक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं क्रॉल, क्रॉल विद द पुशअप। क्रॉल में हमारे जो हैमस्ट्रिंग है वो ओपन अप हो जाएंगे, एंड पुशअप से हमारे चेस्ट ओपन अप हो जाएंगे। तो या दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वार्मिंग अप द बॉडी। नेक्स्ट वी विल डू इज़ लंच विथ फ्रंट किक। तो इसका हम लोग 10 रैप्स करेंगे पर लेग। तो पहले 10 रैप्स वन लेग एंड देन 10 रैप्स द अदर लेग। तो या इसको कर लेती हूँ मैं पहले, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अदर एक्सरसाइजेस। सो नेक्स्ट वी विल डू इज़ अ शोल्डर पुशअप। शोल्डर पुशअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शोल्डर्स ऑब्वियसली। तो या इसके भी हम लोग 10 रेप्स कर लेंगे, एंड देन चलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने यहाँ पे वर्कआउट, बिकॉज फुल वर्कआउट दिखाना इज़ नॉट पॉसिबल, अदरवाइज आप लोग बोर होके चले जाओगे, मेरा वीडियो देखोगे भी नहीं। जो वीडियो का पर्पस है, दैट इज़ व्हाट आई ईट इन अ डे, उसका पर्पस नहीं फुलफिल होगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट वर्कआउट्स कर रही हूँ, बेसिकली आज मेरा एब्स का वर्कआउट था एंड कार्डियो का वर्कआउट था। तो यहाँ पे मैं एब्स कर रही हूँ विच आई जनरली नेग्लेक्ट, तो मुझे आज करना था सिंस मैं घर में हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं आज एब्स करते हैं एंड थोड़ा कार्डियो कर लेते हैं। और फाइनली मेरे उछल कूद से शुभांकर भी उठ गया है, और मैं यहाँ हाफती हुई बेचारी, पुअर मी। और फाइनली शुभांकर उठ चुका है, वो बोल रहा था मुझे कि इतना भागा दौड़ी, इतना उछल कूद मत करो, नहीं तो हमारे नीचे के फ्लोर में जो है वो जग जाएंगे सुबह सुबह। और फाइनली शुभांकर उठ गया है मेरे उछल कूद से, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई उठे ना उठे, मुझे अपना वर्कआउट कंप्लीट करना है एनी हाउ। तो चलिए वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं, और जितना भी बाकी है वो सब कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर डे। तो या फाइनली वर्किंग आउट
सो फाइनली डन विद द वर्कआउट एंड शुभंकर अभी भी सो रहा है. क्यों छुप गए? क्यों छुप गए? उठ जाओ. उठ जाओ. तो ये अभी भी सो रहा है और मेरा तो बहुत कुछ कंप्लीट हो गया. वर्कआउट सुबह का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज डन. तो अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेंगे देन नहाने के लिए जाएंगे. सो नहाने से पहले देयर इज वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट और वो है ये. दिस इज द आमला भृंगराज हेयर ऑयल बाय स्टैमियो. दिस इज द पैकेट जो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम यूज कर लिया है. स्टैमियो का आमला भृंगराज विद बादाम रोगन हेयर ऑयल फॉर स्ट्रॉन्गर हेल्थियर एंड लस्टरस हेयर. ये मैं अराउंड 2-3 weeks से ट्राई कर रही हूँ एंड इसके वजह से मेरे हेयर फॉल का इश्यूज बहुत कम हो चुका है एंड आई एम रियली लविंग दिस ऑयल. तो मैं इससे अभी अपना हेयर मसाज करूंगी, 1 hour तक रखूंगी, देन आई विल शैम्पू माई हेयर. तो चलिए इससे पहले हेयर मसाज करते हैं. ऑलमोस्ट 1 hour हो चुका है, मैंने हेयर ऑयलिंग किया है और अभी है शैम्पू का टाइम. तो मैं अभी शैम्पू करूंगी इससे. स्टैमियो आमला भृंगराज विद बादाम रोगन शैम्पू फॉर स्ट्रॉन्गर हेल्दियर एंड लस्ट्रियस हेयर. दोनों का सेट आता है, हेयर ऑयल एंड शैम्पू का. तो दोनों आप लोग साथ में यूज करिए और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं. तो 9 बज चुके हैं एंड मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे रेडी है. दिस इज ओवरनाइट सोक्ड ओट्स. ओट्स को आप मिल्क में भी भिगा सकते हैं, पानी में भी भिगा सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक. इसमें मैं ऐड करूंगी 1 banana एंड सम पीनट बटर. ये मैं पीनट बटर डिसानो का यूज कर रही हूँ, क्रंची वाला. तो इसको ऐड करेंगे एंड दिस विल बी माई ब्रेकफास्ट फॉर टूडे. तो यही मैं खाने वाली हूँ अभी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी पहले. बहुत भूख लगा है, सुबह से बहुत कुछ हो चुका है, वर्कआउट भी मैंने कर लिया है. तो या खा लेती हूँ देन फिर से मैं लंच में मिलती हूँ आप लोगों से. मेरा ब्रेकफास्ट देखा और अब शुभांकर का ब्रेकफास्ट देखिए. एंड बंद है. बंद के दिन में अच्छा वाला खाना चाहिए. आई मीन लाइक यू शुड नॉट को कष्ट मत दीजिए. तुम कभी खुद को कष्ट नहीं देते. पराठा एंड दिस काइंड ऑफ सादा आलू तरकारी. सादा आलू तरकारी, आई डोंट नो, इट्स टेस्टी. तो चाय मैं भी अभी पीऊंगी. मेरा ब्रेकफास्ट किए हुए बहुत टाइम हो गया, 30 मिनट के ऊपर हो गया है, अभी मैं चाय पीऊंगी. तो ब्रेकफास्ट करे हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है, अराउंड 1.5 hours हो चुका है. अभी मुझे थोड़ा थोड़ा चाय पीने का मन हो रहा है तो मैं अभी थोड़ा चाय पीऊंगी, 1 cup चाय पीऊंगी. लेकिन आप जो भी पिए, चाय पिए, कॉफी पिए, वॉट एवर आप पी सकते हैं. ऑब्वियसली जो डाइट कर रहे हैं डाइट फॉलो करिए, हेल्दी खाइए, जो भी खा रहे हैं हेल्दी खाइए, तेल थोड़ा कम खाइए, लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए, सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वॉट एवर काइंड ऑफ डाइट यू फॉलो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस वाटर. आप कभी मत भूलिए, पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4 liters ऑफ वाटर तो पीना ही है एवरी डे. मैं ऑलवेज मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपना पानी टाइमली पीऊँ. मैं मतलब ये करती रहती हूँ, आफ्टर एवरी 10 minutes, आफ्टर एवरी 15 minutes मुझे पानी पीना है. 2 घूंट 3 घूंट जितना भी पीना है पीना है. और एट द एंड ऑफ द डे मुझे काउंट करना है कि मैंने कितना लीटर्स पानी पिया है. तो यार डो नॉट फोरगेट टू डू दैट. और या मेरे बाल देख सकते हैं, शैम्पू किया है मैंने एंड दे लुक सो शाइनी. अच्छा लग रहा है आज. हेयर ऑयल एंड स्टैमियो का हेयर ऑयल एंड शैम्पू, दे आर रियली ग्रेट. यू कैन ट्राई देम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो माय टी इज रेडी, गरम गरम दूध, अच्छे से दूध डाल के, इलायची डाल के मैंने चाय बनाया है. तो मैं अभी इसको पीऊंगी एंड देन लंच का प्रिपेरेशन करते हैं. तो मेरा लंच यहाँ पे रेडी है. दिस इज द राइस आई हैव. ये है सोयाबीन, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन तो प्रोटीन सोर्स के लिए मैं सोयाबीन यूज करती हूँ. दिस इज सैलड जो मैं खाने वाली हूँ, इसमें माइक्रोग्रीन्स भी आपको दिख रहा होगा. दिस इज दाल एंड दिस इज फूल गोभी का सब्जी.
तो या ये मेरा आज का लंच होने वाला है, मैं इसे अभी खाऊंगी एंड देन आपसे बाद में मीट करती हूँ। तो चलिए पहले लंच कर लेते हैं। तो लंच हो गया है, बहुत टाइम हो चुका है, अभी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मीठे में हम लोग क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? I already had mascara chuska. What mascara chuska you had? Sorry, Amul dark chocolate. Amul dark chocolate. तो हम लोग खाएंगे अमूल का डार्क चॉकलेट। यस, दिस वन। तो ये इतना सा मैंने लिया, इतना सा ही खाऊंगी। तो या आप लोगों ने देखा, मैंने लंच किया, बहुत सारा सोयाबीन लिया, बहुत सारा सैलड लिया, राइस थोड़ा सा लिया, दाल भी लिया बहुत सारा, देन फूल गोभी का सब्जी भी बहुत सारा लिया। तो या मैं मेरा लंच इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद करती हूँ। थोड़ा सैलड ज़्यादा करके लेती हूँ, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, देन राइस का क्वांटिटी उस हिसाब से थोड़ा कम करके लेती हूँ, सो दैट आई कैन मेंटेन द वेट दैट आई एम हैविंग राइट नाउ। तो उसी से मैं वेट मेंटेन करती हूँ, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ। ग्रीन वेजिटेबल्स आर अ मस्ट, और विंटर्स में तो आप लोग फ्रूट्स भी खा सकते हैं। मेरे घर में आज फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए मैंने नहीं खाया, अदरवाइज ऑरेंजेस एप्पल्स मस्ट हैव। तो या और आज बाल बहुत ही सुंदर है, सिल्की सिल्की अच्छा लग रहा है बाल। सनसिल्क वाला एड नहीं, सनसिल्क नहीं, क्लिनिक प्लस वाला एड बोलो कौन सा था, वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा एनीवे आई फॉरगॉट पेट में मूवमेंट नहीं आ रहा है। क्लिनिक प्लस वाला एड क्या था, ये झलके दम के दम के हमारा बाजार एनीवे जो भी है अच्छा है। तो या वो वाली फीलिंग हो रही है, हेयर बिल्कुल ही सिल्की एंड स्मूथ एंड स्ट्रेट फील हो रहा है। तो या आप लोगों से मिलती हूँ इवनिंग स्नैक्स के टाइम में। तो 6 बज चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, और अभी मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है, भूख नहीं कुछ मंच करने का मन हो रहा है। तो मैंने लिया है ये कुछ आमंड्स है, 7 आमंड्स है। तो मैं ये आमंड्स खाऊंगी और एक कप कॉफ़ी पीऊंगी, और कुछ नहीं खाने वाली बिकॉज इतना ज़्यादा भूख नहीं लगा है, और पानी पीऊंगी ऑब्वियसली, वाटर इज मस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ डाइट वॉट एवर यू फॉलो। तो अभी मैं आमंड्स खाऊंगी, 7 आमंड्स है, आमंड्स खाऊंगी, कॉफ़ी पीऊंगी, और उसके बाद पहले पानी पीऊंगी देन कॉफ़ी पीऊंगी थोड़ा सा, और देन डिनर के लिए प्रिपरेशन करूंगी। अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, ज़्यादा नहीं, जस्ट हाफ अ कप ऑफ कॉफ़ी, बिकॉज अदरवाइज आई फील रियली स्लगिश। तो मुझे अभी कॉफ़ी पीना है, देन डिनर के लिए प्रिपरेशन करना है। 6 बज चुके हैं, आई ट्राई टू कंप्लीट माय डिनर बाय 7:38। तो या इसको खाते हैं पहले, पीते हैं पहले, सॉरी। तो अभी मैं डिनर का प्रिपरेशन करूंगी, उसके लिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो चलिए अभी डिनर का प्रिपरेशन करते हैं। सो दिस इज माय ब्रोकली एंड कैरेट, जो थोड़ा सा बॉईल होने के बाद, जस्ट बॉईल हो जाए थोड़ा सा फॉर 2-3 मिनट, उसके बाद मैं इसको सॉटे करूंगी एंड आई विल हैव इट विद सम पनीर। तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, एंड दीज आर द वेजिटेबल्स दैट आई विल बी सॉटिंग। तो इसको अभी इसमें डालेंगे, सॉटे करेंगे, एंड देन विल हैव आवर डिनर। फाइनली माय डिनर इज रेडी, बहुत ही कलरफुल प्लेट है मेरा, ब्रोकली कैरेट पनीर एंड टॉप्ड विद माय माइक्रोग्रीन्स दैट वी हैव बीन ग्रोइंग एट आवर होम। तो या अभी मैं इसको खाऊंगी, दिस इज माई डिनर, इट्स ऑलरेडी 7:30। तो मैं इसको खा लेती हूँ, देन आप लोगों से बात करते हैं। Done with my dinner, but I am not done yet. अभी एक और चीज बाकी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मेरी नाइट की ड्रिंक जो मैं लेती हूँ। तो उसको देखने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मतलब कि मेरे साथ बने रहिए, मैं
थोड़ी देर बाद आती हूँ, बिकॉज अभी ओनली 8 बजे हैं, तो मैं थोड़ी लेट करके लूँगी ये ड्रिंक, बिकॉज अभी अभी जस्ट मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया है, तो थोड़ा सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मैं वो ड्रिंक बनाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। सो मेरा फाइनल ड्रिंक इज रेडी। दिस इज द फाइनल टी दैट इज रियली गुड फॉर योर डाइजेशन, गुड फॉर योर हेयर, गुड फॉर योर स्टमक, गुड फॉर योर स्लीप, यू नेम इट एंड यू हैव इट। तो या इसे मैं अभी पीऊँगी। टी बनाया है मैंने, कैसे बनाया है आपने देखा ही है। पानी में फेनल सीड्स देना है, यानी कि सौंफ देना है, बड़ा वाला सौंफ, नॉट द छोटा वाला सौंफ। तो बड़ा वाला सौंफ दे दीजिए, उसको बॉईल करिए थोड़े टाइम के लिए, देन यू हैव योर टी। तो या इसको पीऊँगी, इट इज़ वेरी गुड फॉर स्लीप इज़ वेल। तो अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, नींद ईजिली आता नहीं है, देन यू कैन हैव दिस, इट इज़ रियली गुड। तो चलिए चाय को अभी पीते हैं, देन सोते हैं। सो दिस वॉज माई व्लॉग, वॉट आई ईट इन अ डे वाला व्लॉग। दिस इज़ बेसिकली वॉट आई ट्राई टू ईट। इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस आई ट्राई टू डू ऑलवेज, जैसे कि मिड डे स्नैक हो गया, जब भूख लगे तो मैं कुछ मिड डे स्नैक ले लेती हूँ, और वो क्या खाती हूँ अगर ये सब जानना है, देन आई विल ऑल्सो मेक अनादर वॉट आई ईट इन अ व्लॉग, वॉट आई ईट इन अ डे व्लॉग। तो वो मैं मे बी 1 मंथ बाद दे दूँगी। तो या आज के लिए ये व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, गुड नाइट। What to mention about the medicines that I have, one is the omega 3 and the other is the multivitamin that I'll be having at night. So yeah, that's it. Bye bye. Good night.